नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हजारों किसान बागवानों ने किया सचिवालय का घेराव। जी हाँ, हजारों किसानों बागवानों ने आज सचिवालय का घेराव किया है। इस दौरान क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से पहुंचेंगी दवाइयां। जी हाँ, ऐसे क्षेत्र जहां पर यातायात की सुविधा नहीं है, कठिन परिस्थितियां हैं, ऐसे क्षेत्रों में अब ड्रोन से दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। पूरी खबर इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। FIR पर कार्रवाई करने में चंबा पुलिस को पहला रैंक। जी हाँ, FIR करने पर कार्रवाई तुरंत करने पर चंबा पुलिस को पहला रैंक हासिल हुआ है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे कि कौन से जिला को कौन सा रैंक मिला है। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारे खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSD न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। भूंतर हवाई अड्डे के लिए अब छोटे जहाज भी उड़ान भरेंगे। ATR 42 उड़ानों की प्रक्रिया अप्रैल से चल रही है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की पूर्व क्षेत्रीय सहायक कंपनी एयरलाइंस एयर ने अपने बेड़े में ATR 42 विमान को कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के लिए शामिल किया है। शीघ्र उड़ानें शुरू होंगी। वर्तमान में दिल्ली से भूंतर के लिए अलायंस एयर का एकमात्र 72 सीटर जहाज आ रहा है। FIR और सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करने पर चंबा पुलिस को प्रदेश भर में नंबर 1 रैंक मिला है। गृह मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन रैंकिंग होती है। इसमें चंबा पुलिस ने बेहतर कार्य करते हुए लोगों को समय पर पुलिस सहायता पहुंचाने के साथ ऑनलाइन इसकी रिपोर्ट दर्ज की। इसके परिणाम स्वरूप चंबा पुलिस को पहला रैंक मिल पाया है। पिछले साल चंबा पुलिस 13वें रैंक पर थी। आपको बता दें कि हिमाचल की रैंकिंग में चंबा पहले, शिमला दूसरे, सोलन तीसरे, बद्दी चौथे, जबकि हमीरपुर 5वें, लाहौल स्पीति 6ठे, ऊना 7वें, मंडी 8वें, सिरमौर 9वें, बिलासपुर 10वें और किन्नौर 11वें, जबकि कुल्लू 12वें और कांगड़ा पुलिस 13वें स्थान पर रही है। पर्वतारोहण के इतिहास में पहली बार किसी दल ने 21,146 फीट ऊंची चोटी को बिना पोत्रों की मदद से फतह किया है। जहां हिमाचल और लद्दाख सीमा के बीच समुद्र तल से 6,105 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस अज्ञात चोटी को फतह करने वाली टीम का नेतृत्व मध्य प्रदेश के आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत सिंह ने किया। दल में देश के विभिन्न राज्यों के 11 पर्वतारोही शामिल रहे। करीब 9 दिन के लंबे और जोखिम भरे अभियान को पूरा कर ये दल शुक्रवार को केलांग पहुंचा। दल ने 29 जुलाई को जिंगजिंगबार बेस कैंप से अभियान शुरू किया। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले शुक्रवार को राजधानी शिमला में प्रदेश भर से आए बागवानों ने आक्रोश रैली निकाली और सचिवालय का घेराव किया। हजारों की संख्या में शिमला पहुंचे किसान बागवानों ने नवबहार चौक से छोटा शिमला तक करीब 3 किलोमीटर पैदल मार्च किया। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हिमाचल के शिमला में 300 डॉक्टरों की भर्ती के लिए राज्य सरकार जल्द लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रही है। इस परीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द लोगों से आवेदन मांगेगा। डॉक्टरों के ये पद अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी के माध्यम से भरे जाएंगे और परीक्षा MCQ बेस्ड होगी। डॉक्टर के पद के लिए लिखित परीक्षा के बाद प्रदेश में जल्द ही डॉक्टरों के नए पदों को भरा जाएगा। हिमाचल में मनाली के अलेऊ में भूस्खलन से बिजली प्रोजेक्ट और IPH की पानी की पाइपों को नुकसान पहुंचा है। यहां विद्युत उत्पादन भी ठप पड़ गया है। 2 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट में घटना के बाद उत्पादन बंद हो गया है, जबकि इसके अलावा IPH की सप्लाई वाली पाइपें भी चट्टान गिरने की वजह से टूट गई हैं, जिसकी वजह से अलेऊ और झाड़ेक में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। विभाग को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल में कुल्लू के केलांग में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह और आजादी का 75वां अमृत महोत्सव 15 अगस्त को ऐतिहासिक पुलिस मैदान में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। हिमाचल के मंत्री इस अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही वे पुलिस, होमगार्ड, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड द्वारा प्रस्तुत आकर्षण मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला दंडाधिकारी प्रशांत सुमित खिमटा ने आज अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब अपने
छोटे इलाज के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। घर द्वार पर ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें ड्रोन से दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग आईटी विभाग के साथ मिलकर इस तकनीक पर काम कर रहा है, जो अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग इस महीने के अंत तक इस तकनीक को ग्राउंड लेवल पर शुरू करने की तैयारी में है। भाजपा नेता एवं हिमाचल सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाहटा ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि वीरवार को प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें बागवानों को बुलाया गया था, पर वे नहीं आए। आंदोलनकारियों को अपनी बात उचित मंच पर रखनी चाहिए, सड़क पर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब मंडी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत 2021 में सेब की लंबित राशि 8.59 करोड़, जिसमें 4.15 करोड़ एचपीएमसी और 4.45 करोड़ हिमफेड को 30 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। प्रापण संस्थाओं एचपीएमसी और हिमफेड को आदेश दिए गए हैं कि बागवानों की लंबित राशि नगद में सप्ताह के भीतर जारी करें। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन हमीरपुर की ओर से आयोजित करवाई जा रही 3 दिवसीय जिला स्तरीय महिला और पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। 5 से लेकर 7 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय डिग्री कॉलेज अणु के इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें अंडर 13, 15, 17, 19 और सीनियर वर्ग की एकल और मिक्स डबल वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में जिला के 150 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।